तो आइए दोस्तों, द एम ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। तो समय और दूरी का क्वेश्चन आप लोग को जो अधूरा था उसको परिपूर्ण कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा वो सारा क्वेश्चन रेलवे में पूछा ही हुआ क्वेश्चन, जैसे ग्रुप डी हो, चाहे तो एनटीपीसी, चाहे तो आरपीएफ हो। तो दोस्तों आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, देखिए क्वेश्चन में किस किस लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात को न बनाते हुए क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात करें। क्या बोला, उसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्त, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, 600 बटे 5, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो मिनट है तो इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, तो 60 60 से कट गया, तो 10 सो काट दीजिएगा तो 2 घंटा, 2 घंटा में आ गया। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है, तो इसको क्या करिए कि 18 बटे 5, क्योंकि इसे करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो काट दीजिएगा तो 3.6, तो आ जाएगा आपको 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़ कर पूरा करता है, तो बताए कि उसकी गति कितनी है। गति में से चाल ही हो गया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल की दूरी कितना है 200 बटे समय 24, इसको 18 बटे 5, तो 6 चौके 24, 76 18, 4 5 20, तो हो गया कितना 10, तो आ गया आपका 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ चुके हैं। स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन क्या है, 200 मीटर ठीक है ना, रेस को 24 सेकंड में पार कर जाता है, तो समय चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, यही ना, दूरी मेरा 200 है और समय कितना 24 सेकंड में, तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 18 बटे 5 से गुना कर देंगे। पहले वीडियो में मैं ये सब बेसिक बता चुका हूँ, इसलिए आपको अगर समझने में कोई कठिनाई है दोस्त, तो इससे पहले का वीडियो भी जरूर देख लें। एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहर के बीच की यात्रा को एक मोटर चालक 2 घंटे 10 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी गति को मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करना है। 65 किलोमीटर दिया हुआ है दोस्त, क्या हो गया, इसको हम 65 किलोमीटर में चेंज कर दिए, 2 घंटा 10 मिनट, समय कितना दिया हुआ है 2 घंटे, यानी कि 60 60 120 और 10 130, कोई दिक्कत, क्योंकि इसको किलोमीटर में है तो किलोमीटर में कर दिए, और समय क्या दिया हुआ है 2 घंटा 10 मिनट, तो 60 60 120 इसको मिनट में हम कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि मीटर प्रति मिनट निकालना है, इसलिए अब इसको 1 0 0 13 5 65, यानी कि 500 मीटर प्रति मिनट आ गया। आपसे क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है कि मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करना है, तो मीटर प्रति मिनट में आ गया। तो आशा कर रहा हूँ कि समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, क्या है गति निकालना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है मेरा 150, दूरी तो 150 है, समय कितना है 25 सेकेंड, ठीक है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो आपको दिया हुआ है, तो इसको 18 बटे 5, इसको काट दीजिए तो 6 आ जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 3.6, जब इसको गुना करिएगा तो 216 पॉइंट कहते हैं, यहाँ बैठा दीजिए कितना आ गया 221.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा कर रहा हूँ कि समझने में कोई दिक्कत, किन्हीं को परेशानी, अगर परेशानी है दोस्त तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, मैं और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे एक फ्लाई ओवर को 2 मिनट में पार कर जाता है, देखिए कितना है 1.6, 2 मिनट में पार, मतलब दूरी क्या हो गया 1.6 हो गया, और समय मेरा 2, इसको हम क्या करेंगे घंटा में चेंज कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 60 तो ऊपर चल गया, यहाँ 60 आ गया, इसको काट दीजिए तो 30 16 दिया कितना हो गया 48, जब 0 है तो पॉइंट खत्म, 48 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है? क्योंकि देखिए दोस्त, बेसिक से मैं आप लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा कि आप देख के ताजुब करेंगे। बोला अगर अंबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, आपको दूरी कितने समय में, दूरी कितना मेरा 400 और समय कितना दिया हुआ है 20, समय तो 20 ही दिया हुआ है ना। अब इसको हम किलोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, इससे क्या होगा 5 ऊपर 18 चल जाएगा। नहीं, ये 5/18 होता है तो 18 ऊपर चल गया। अब इसको काट दीजिए, 20 से कट जाएगा, इसको काट दीजिए तो 4 से, तो 18 चौको कितना है 72 सेकेंड हो गया। क्या गया 72 सेकेंड, तो इसको हम घंटा में चेंज कर देंगे मिनट में, तो कितना आ जाएगा 1 मिनट और 12/60, जब इसको काट दीजिएगा तो 1/5 यानी कि 1.5 मिनट आ गया। आशा कर रहा हूँ कि समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत है तो वीडियो को रोक रोक कर देखें और समझें। मैं सारा आप लोग को बेसिक से, एक निश्चित दूरी को अमित 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा कितना, तो दूरी कितना तय किया, तो 4 किलोमीटर 2 घंटा 45 मिनट, यही ना। इसको काट दीजिए 3, इसको काट दीजिए 4, 4 × 8 = 3, 11, तो 4 × 11/4 जब कर दीजिए तो 11 किलोमीटर तय किया, दूरी कितना आ गया 11 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसी दूरी को तो यानी कि 11/12 × 60 काट दीजिए 5, 11 × 5 = 55 मिनट में तय कर लेगा, 55 मिनट में और तय कर लेगा इसी दूरी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर देखिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा में तय करता है, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 40 की स्पीड से हो गया 9 घंटा, तो कितना दूरी तय कर लेगा, 40 × 9 यानी कि 360 किलोमीटर वो तय कर लेगा। नहीं तो 60 की स्पीड से तय करेगा तो कितना होगा, 60 6 घंटा में तय कर लेगा, कोई दिक्कत। अब 40 की स्पीड से जा रहा है 9 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 360 किलोमीटर तय करेगा, तो उसी को 60 की स्पीड से अगर तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 6 घंटा समय लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक कार 5 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा पूरी करता है, यदि वह यात्रा 50 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन ही है, 5 घंटा में वो 60 की स्पीड से जा रहा है तो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर आ जाएगा दूरी तय करेगा। इसी को 50 की स्पीड से जाएगा, 300 को 50 की स्पीड से तो कितना हो जाएगा 0 0 यानी कि 6 घंटा ही में तय कर लेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में दूरी तय करता है। ठीक, तो दूरी के निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 × 5 और समय कितना दे रहा है 1 × 2/3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 5, 3 नीचे रहेगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 5 × 5 = 7, तो कितना आ जाएगा 24 × 72 = 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा कर रहा हूँ कि बेसिक है। देखिए दोस्त, रेलवे में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है आपको, अगर बेसिक मजबूत है तो आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर बेसिक कमज़ोर है तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए की गति बी से दुगुना है और बी की गति सी से 3 गुना है। देखिए ए बी और सी, ठीक है, तो हम लोग पहले सी लास्ट में दिया था, सी से पकड़ेंगे, तो अगर सी का 1 है तो इसका 3 गुना है और ए जो है बी से दुगुना है यानी कि 6 है। तो बोल रहा है कि बताइए कि 42 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए कितने समय में करेगा, तो सी द्वारा 42 मिनट तो ए कितना, तो 7 घंटा 7 मिनट
7 मिनट में तय कर लेगा। तो आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो भी बताया आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्त अगर सोल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो बनेगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल वीडियो में।